अपनी जिंदगी के खूबसूरत और अहम पलों को हर कोई यादगार बनाना चाहता है और इसके लिए लोग तरह तरह के जतन भी करते हैं। इंसान की जिंदगी में वेडिंग सेरेमनी, शादी समारोह ऐसा एक अहम मौका होता है जिसे यादगार बनाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें कपल ने रोपवे पर शादी की थी। अब आपको दिखाते हैं उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज तस्वीरें। चीन में ऊंची पहाड़ी को काट कर बनाए गए इस पुल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हुनान प्रांत के तियानमे नेशनल पार्क की ऊंची पहाड़ी पर बनाए गए इस पुल का रास्ता कांच से बना है। कई वजहों से ये पुल एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। जरा गौर से देखिए इस पुल पर कुछ लोगों की भीड़ जमा है। थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक लड़की एक युवक के साथ दुल्हन के लिबास में सेल्फी लेती नजर आ रही है। दरअसल 26 साल की जियांग और युवक जोहू वेनलांग अपनी सेरेमनी के लिए यहाँ आए हैं। नौ अगस्त का दिन यहाँ चीनी वैलेंटाइन डे के तौर पर जाना जाता है। जियांग और जोहू ने इस दिन को खास बनाने के लिए कुछ अलग करने की प्लानिंग की और अपनी वेडिंग सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए ये तरीका चुना। ये हमारे लिए काफी चैलेंजिंग था। आज का दिन चाइनीज वैलेंटाइन के तौर पर मनाया जाता है, इसीलिए हमने भी इस दिन को खास बनाने की प्लानिंग की थी। देखिए, खतरों से खेलने की शौकीन जियांग जान हथेली पर रखकर कांच के इस पुल से अब एक झूले पर उतर रही है। इस दौरान पुल पर मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गईं, लेकिन जियांग बिना डरे कुछ ही पलों में झूले तक पहुंच गई और कुछ ही देर बाद जियांग अपने पति जोहू के साथ थी।